नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इजरायली सेना से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने गाजा में अपने ही 3 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हग्गारी ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने गलती से बंधकों पर फायरिंग कर दी। IDRF इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेता है। हग्गारी ने कहा कि यह एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे सैनिकों ने हमास के कई आतंकियों का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि इसमें कई सुसाइड बॉम्बर भी शामिल थे। हग्गारी ने बताया कि मारे गए 3 बंधकों में से 2 की पहचान योतम हैम और समर तलालका के रूप में हुई है। वहीं उन्होंने तीसरे बंधकों के नाम का खुलासा नहीं किया। हग्गारी ने कहा कि मृतक के परिवार ने ऐसा करने से मना किया है। बता दें कि 7 अक्टूबर को इन 3 बंधकों को इजराइल से अगवा कर लिया गया था। वहीं जब हग्गारी से यह पूछा गया कि ये 3 बंधक हमास की गिरफ्त से भागने में कैसे सफल रहे, इसके जवाब में IDF प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सेना का मानना है कि 3 बंधक हमास के आतंकियों की कैद से भागने में सफल हो गए थे। उन्होंने बताया कि गोलाबारी के 1 दिन बाद स्कैन और जांच के दौरान मृतकों की पहचान को लेकर संदेह हुआ। इसके बाद उनके शवों को तुरंत जांच के लिए इजराइल लाया गया, जहां बंधकों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के लिए हम सभी को खेद है और इसके लिए IDF खुद जिम्मेदार है। बता दें कि गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी है। अब तक यहां 18,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शामिल है। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इसराइलियों की मौत हो गई थी। इस जवाब में इसराइल ने भी गाजा में बमबारी शुरू कर दी। इसराइली हमले में गाजा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।